Hello friends, welcome to Global Online University channel, and please like and subscribe the video before you watch the video and also click the bell icon. So friends, आज हम start करते हैं John Taylor distortion. तो John Taylor distortion का दूसरा ही नाम है tetragonal elongation. Friends, इसको tetragonal elongation भी कहते हैं. तो हम पढ़ते हैं John Taylor theorem. तो friends, पहले बात theorem, ये एक theorem है. तो theory और theorem में बहुत बड़ा अंतर होता है. Theorem experimentally proof होती है और theory थ्योरेटिकल होती है. ओके फ्रेंड्स, तो हम जॉन टेलर थ्योरम पढ़ते हैं. एनी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल इन इट्स इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट इज अनस्टेबल. किसी भी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट फ्रेंड्स अनस्टेबल होती है. ओके फ्रेंड्स, एंड अंडरगोस सम सॉर्ट ऑफ डिस्टॉर्शन. तो अगर वो अनस्टेबल होगी तो सम सॉर्ट ऑफ डिस्टॉर्शन कॉज करेगी. तो डिस्टॉर्शन कॉज करेगी टू रिमूव इट्स डीजेनरेसी. अपनी डीजेनरेसी को रिमूव करने के लिए वो उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है. तो डिस्टॉर्ट होगा वो लोअर इन एनर्जी करेगा और लोअर इन सिमेट्री. ये फ्रेंड्स मतलब वो लोअर एनर्जी कर देगा, मोस्ट स्टेबल होगा और लोअर सिमेट्री कर देगा. अब इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैंने D1 का एग्जांपल लिया, इसमें T2G1 होगा और EG0 होगा, तो ट्रिपली डिजेनरेट हो जाएगा फ्रेंड्स. अब अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल ले रहा हूँ D2 का एग्जाम्पल, तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, T2G2 हो जाएगा और EG0 हो जाएगा. तो ये इलेक्ट्रॉनिकली ट्रिपली डिजेनरेट हो गया. तो फ्रेंड्स अब अगर मैं D3 का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो फ्रेंड्स देखिए T2G3 हो जाएगा इसमें और EG0 हो जाएगा. तो ये इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डिजेनरेट स्टेट हो जाएगी. ये नॉन डिजेनरेट स्टेट हो जाएगी तो इसमें कोई चीज नहीं आएगा. ओके फ्रेंड्स, तो ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रन इसकी ज्योमेट्री होगी. ओके फ्रेंड्स, जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है, अब देखिए फ्रेंड्स इसमें ML6 एक एग्जाम्पल है यहाँ पर. तो ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रन हो गया, इसका मतलब इसके सबके सब ML बॉन्ड लेंथ सेम होगी. ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो इसका ये है फ्रेंड्स, ये वाला है हेड्रन. तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ML बॉन्ड लेंथ ये बड़ी हो गई ML बॉन्ड लेंथ, और ये बॉन्ड लेंथ इसकी छोटी हो गई फ्रेंड्स. ओके, तो ये फ्रेंड्स जेड आउट के एग्जांपल है. तो इसका मतलब टेट्रागोनल इलोंगेशन हो गया. ये जो ML बॉन्ड है ये एक्सियल पोजिशन वाले ये इलोंगेट हो गए, तो इसका मतलब जेड आउट हो गया. अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ML बॉन्ड. अब ये जो ML बॉन्ड है ये जेड इन हो गया. ये जो ML बॉन्ड है ये क्या हो गया फ्रेंड्स, कंप्रेशन हो गया. ओके फ्रेंड्स, तो ये जॉन टेलर के दो एग्जांपल हैं कि एक में जेड आउट होता है, जेड आउट में टेट्रागोनल इलोंगेशन होता है फ्रेंड्स, और जेड इन में टेट्रागोनल कंप्रेशन हो जाता है. ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स हम इसकी कुछ कंडीशंस देखेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस है जिसमें जेड आउट, जिसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन लगता है फ्रेंड्स. तो देखिए फ्रेंड्स कंडीशंस फॉर जेटीडी, कंडीशंस फॉर जेटीडी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के लिए कंडीशंस. तो फ्रेंड्स इसके लिए तीन कंडीशंस है. पहली कंडीशन ये होगी कि अगर आपका T2G सिमेट्रिकल, और T2G भी सिमेट्रिकल हो, EG भी सिमेट्रिकल हो, तो T2G आपका सिमेट्रिकल. ओके फ्रेंड्स, और EG भी सिमेट्रिकल. तो अगर ये कंडीशन है कि T2G सिमेट्रिकल और EG सिमेट्रिकल, तो नो डिस्टॉर्शन, तो कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा. ओके फ्रेंड्स, तो अगर इसके मैं एग्जांपल ले लेता हूं फ्रेंड्स, तो इसके लिए क्या होगा, T2G3 हो गया फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स इसके लिए T2G3 हो गया, T2G3 में भी आपका सिमेट्रिकल हो जाएगा. ये देखिए फ्रेंड्स ऑक्टाहेड्रन की बात हो रही है, तो T2G सिमेट्रिकल में भी कोई डिस्टॉर्शन कॉज नहीं होगा. अब T2G5, अब जैसे फ्रेंड्स T2G3 हो गया, T2G3 और EG2 हो गया, तो इसमें भी सिमेट्री आ गई, मतलब नॉन डिजेनरेट स्टेट हो गई फ्रेंड्स. ओके फ्रेंड्स, और अगर T2G अगर लो स्पिन है फ्रेंड्स, T2G6 हो गया फ्रेंड्स, तो लो स्पिन T2G6 में क्या होगा फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स इसमें भी आपके सिमेट्री हो जाएगी फ्रेंड्स, तो नो डिस्टॉर्शन होगा. तो ये पता लगा अगर हमारे T2G सिमेट्रिकल हो या EG सिमेट्रिकल, या दोनों सिमेट्रिकल हो, तो फ्रेंड्स कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा और परफेक्ट ज्योमेट्री होगी. ओके फ्रेंड्स, अब अगर सेकंड कंडीशन की मैं बात करता हूं फ्रेंड्स,
तो सेकंड कंडीशन में ये आती है फ्रेंड्स कि मेरी सेकंड कंडीशन हो गई इफ अगर ईजी अनसिमेट्रिकल हो गया, अगर ईजी अनसिमेट्रिकल है फ्रेंड्स और टी टू जी सिमेट्रिकल है, टी टू जी सिमेट्रिकल है, तो अगर फ्रेंड्स ये कंडीशन हो रही है तो इसमें क्या लगेगा फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग जे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, स्ट्रॉन्ग जेटीडी। ओके फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग जेटीडी का मतलब एक और वर्ड से डिनोट करते हैं इसको, स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, स्टैटिक जेटीडी। ओके फ्रेंड्स, तो स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ये कब लगेगा, जब ईजी अनसिमेट्रिकल हो, तो ये आपका D9 का केस हो गया फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, D9 का केस हो गया, कॉपर प्लस टू में हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये T2G के और वाइटल्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ओके फ्रेंड्स, ये D7 में भी लगेगा, D7 का हो गया, तो D7 में क्या होगा फ्रेंड्स, T2G 6 हो गया और EG क्या हो गया फ्रेंड्स, 1 हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो अगर EG अनसिमेट्रिकल है तो स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है, और ओके फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर या स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी कहते हैं इसको। अब इसकी थर्ड कंडीशन है फ्रेंड्स, अगर मैं थर्ड कंडीशन लिखता हूं फ्रेंड्स, इसकी थर्ड कंडीशन में है इस, अब अगर फ्रेंड्स इफ T2G अनसिमेट्रिकल हो गया, T2G अनसिमेट्रिकल फ्रेंड्स और EG सिमेट्रिकल हो, ओके फ्रेंड्स, EG सिमेट्रिकल हो, तब क्या होगा फ्रेंड्स, वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, वीक JTD होगा, JTD। ओके फ्रेंड्स, और वीक JTD को दूसरा नेम है इसका डायनामिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, डायनामिक JTD। ओके फ्रेंड्स, तो इसके एग्जांपल देख लो फ्रेंड्स, अगर मैं इसका एग्जांपल देता हूं तो D1 का कॉम्प्लेक्स हो गया, जेटीडी लगेगा उसमें, D2 में जेटीडी लग जाएगा। ओके फ्रेंड्स, D5 में जेटीडी लग जाएगा फ्रेंड्स, D5 हाई स्पिन में जेटीडी लग जाएगा। अगर ये तीन कंडीशन है तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है। पहली कंडीशन में सिमेट्रिकल, अगर दोनों सिमेट्रिकल है तो नो डिस्टॉर्शन, अगर ईजी अनसिमेट्रिकल है फ्रेंड्स तो स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, अगर T2G अनसिमेट्रिकल है तो वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन या डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आते हैं हम, ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो गया, इट्स अ थ्योरम, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है फ्रेंड्स। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं फ्रेंड्स जो कि नेट में आए हुए हैं। अब पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, दिस सेट ऑफ आयंस एक्सपेक्टेड टू शो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, इन सेट्स में हमें ये कंफर्म करना है कि इसमें से कौन सा जेटीडी शो कर रहा है, मतलब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स अगर मैं सी एग्जांपल को लेता हूं, सी ऑप्शन को लेता हूं, तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर सी यू किस में है, प्लस टू में है। ओके फ्रेंड्स, और एनआई किस में है, सेकंड में है, और आपका हाई स्पिन में दे रखा है एफ ई, एक मिनट फ्रेंड्स, अगर मैं सी एग्जांपल को लेता हूं तो लो स्पिन एफ ई थर्ड में है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, और टाइटेनियम है थर्ड में। तो फ्रेंड्स इसमें जॉन टेलर बताना है, मतलब वीक भी इंक्लूड हो जाए या स्ट्रॉन्ग भी इंक्लूड हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, सीयू टू प्लस हो गया, ये D9 कॉम्प्लेक्स हो गया, इसका मतलब ये हो गया फ्रेंड्स कि T2G 6 हो गया और ईजी क्या हो गया फ्रेंड्स, 3 हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर ईजी अनसिमेट्रिकल है, ईजी अनसिमेट्रिकल आ गया, अभी मैंने आपको बताया अगर ईजी अनसिमेट्रिकल है तो स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, इसका मतलब सीयू टू प्लस का कॉम्प्लेक्स भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो कर रहा है। अगर मैं एफ ई थ्री प्लस की बात करूं, लो स्पिन, तो एफ ई थ्री प्लस का मतलब हो गया D5 हो गया, और अगर वो लो स्पिन है तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, T2G 5 हो जाएगा और ईजी 0 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो T2G 5 हो गया, T2G अनसिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन या जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कॉज करेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, टाइटेनियम है, इसका क्या होगा फ्रेंड्स, D1 कॉम्प्लेक्स है। ओके फ्रेंड्स, यानी T2G में एक इलेक्ट्रॉन है और ईजी 0 है, तो T2G फिर अनसिमेट्रिकल हो गया, इसका मतलब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन लग रहा है, तो इसमें सब कंपाउंड्स में सी इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं ए एग्जांपल लूं, D1 है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है, सीयू प्लस जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है, बट एफ ई थ्री प्लस, अगर वो हाई स्पिन में है तो D5 हो जाएगा,
ओके फ्रेंड्स, बट हाई स्पीड में वो इलेक्ट्रॉन्स जंप हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आ जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता फ्रेंड्स। अगर मैं बी की बात करता हूँ, सी यू प्लस में हो गया, इन्हें डी टेन हो गया, अब फिर सिमेट्रिकल टी टू जी सिक्स हो गया और ई जी फोर हो गया, तो टेन हो गया, तो ये बी भी नहीं हो सकता फ्रेंड्स। डी की बात करता हूँ तो लो स्पिन एफ ई थ्री प्लस हो गया, तो इसका मतलब डी फाइव हो गया। अब एम एन, तो ये तो ठीक है फ्रेंड्स, इसमें इसमें आपका टी टू जी अनसिमेट्रिकल हो गया, बट एम एन सेकेंड की बात करता हूँ तो ये डी फाइव हो गया कॉम्प्लेक्स, ये देखिए फ्रेंड्स डी फाइव कॉम्प्लेक्स हो गया, यानी टी टू जी टी टू जी थ्री हो गया और ई जी टू हो गया, तो दोनों सिमेट्रिकल हो गए फ्रेंड्स, तो इसका मतलब फिर ये कॉइल नो डिस्टॉर्शन हो गया। ओके फ्रेंड्स, सी यू प्लस वन में वही डी टेन होगी कॉन्फिगरेशन, तो ये भी सिमेट्रिकल हो गया, तो ये भी आप आंसर नहीं हो सकता, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये पूछा है कि विच ऑफ दी कॉम्प्लेक्स इज शोइंग जेकेडी, इन ये चार कॉम्प्लेक्स है आपके सामने, इसमें से बताना है फ्रेंड्स कि कौन कौन सा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कॉज कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, अगर मैं पहले की बात करता हूँ, कोबाल्ट प्लस थ्री में है, इसका मतलब डी सिक्स में है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अब आपको पता होगा अगर कोबाल्ट प्लस थ्री में है तो एनएस थ्री स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। ओके फ्रेंड्स, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो टी टू जी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, टी टू जी सिक्स हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ईजी कितना हो जाएगा, ईजी जीरो, तो टी टू जी सिमेट्रिकल हो गया, इसका मतलब नो डिस्टॉर्शन। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो एग्जाम, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अब अगर मैं सी आर एस टू का होल सिक्स थ्री प्लस लेता हूं तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया फ्रेंड्स, डी थ्री हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो डी थ्री इसका मतलब टी टू जी थ्री हो गया। ओके फ्रेंड्स, टी टू जी थ्री हो गया, तो टी टू जी थ्री का मतलब फिर सिमेट्रिकल हो गया, नो डिस्टॉर्शन। ओके फ्रेंड्स, अब अगर मैं डी को लेता हूँ फ्रेंड्स आयरन वाला, तो आयरन इसमें क्या हो जाएगा, एफ ई कितने में है फ्रेंड्स, प्लस टू में हो गया, प्लस टू का मतलब हो गया फ्रेंड्स डी सिक्स कॉन्फ़िगरेशन हो गई, और ये स्ट्रॉन्ग फील्डिंग एंड साइलेंट स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो वो पेयरिंग करवा देगा डी सिक्स, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, टी टू जी सिक्स आ जाएगा, तो फिर टी टू जी सिमेट्रिकल हो गया, इसका मतलब नो डिस्टॉर्शन। बट अगर मैं फ्रेंड्स कॉपर वाले कंपाउंड की, कॉपर वाले कॉम्प्लेक्स को देखता हूँ, तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, डी नाइन हो गया। ओके फ्रेंड्स, इसमें डी नाइन हो गया, तो डी नाइन के का मतलब आप समझ ही होंगे टी टू जी सिक्स हो गया फ्रेंड्स, और ईजी कितना हो गया फ्रेंड्स, ईजी हो गया यहाँ पर थ्री, तो ईजी अनसिमेट्रिकल, अगर ईजी अनसिमेट्रिकल होता है तो मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग जोन टेलर डिस्टॉर्शन, तो इसका ऑप्शन सी हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने दो एग्जांपल करवा दिए। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जेटीडी, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो। ओके फ्रेंड्स, दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।